वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और मंथली रीडिंग लेकर। और ये मंथली रीडिंग है नवंबर मंथ की उन लोगों के लिए जिनकी राशि है वर्गो यानी कि कन्या। देखेंगे कि उनकी हेल्थ, उनका लव लाइफ, उनका कैरियर कैसे रहने वाला है इस नवंबर मंथ में। और यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस होगा तो मैं आपको दूंगी। साई बाबा के मैसेजेस देखूंगी और देखूंगी आपका लाइफ पर्पज इस बार ये कुछ अलग है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कार्ड कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ आप लोगों के लिए। ओके, डेथ, पेज ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे लगता है कि जो लोग पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, ओके, तो वो भाई उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है। कोई भी रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं, कोई भी टॉक्सिक कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, तो उसको आप ख़त्म करोगे और एक नई शुरुआत करोगे अपने सोलमेट के साथ। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है इस नवंबर मंथ में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो लोग हों और आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि कौन आपका अपना है, कौन पराया। दोनों के साथ में ही आपको लगाव हो लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली कि किसके साथ लगाव ज़्यादा है, किसके साथ जाया जाए। तो वो आपको पता चल जाएगा इस बार कि कौन आपके लिए सच्चा है और कौन आपके लिए झूठा है। आपके कनेक्शन में बेशक कोई तो एक तो कार्मिक हो सकता है और एक आपका ट्रू सोलमेट हो सकता है। तो बेशक आप सोलमेट को ही चूज करोगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी वजह से आप अपना कनेक्शन जो है आपके कार्मिक के साथ में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। उनकी कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जिससे आपको पता चल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सोलमेट है, कौन कार्मिक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। चाहे कुछ भी हो, यूनिवर्स खुद ही आपको बताएगी, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपको कहीं ना कहीं तंग करते हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो भाई उनसे आप दूर जाने वाले हो, उनसे आप बिल्कुल कनेक्शन कट कर दोगे। और जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, आपको नहीं समझाना, उनको लाइफ से निकाल कर बाहर करने वाले हो, बेशक बाहर करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में रहे जिन्होंने आपको चीट किया, आपको तकलीफ दी, तो वो आपके पास वापस आ सकते हैं, रिकंसिलिएशन आपका हो सकता है। दो सिनेरियोस मुझे दिखे, मैंने दोनों ही आपको बता दिए। जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वो ले सकते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके साथ में रिश्ता ख़त्म किया और आपको बिन बताए चला गया या चली गई, आपको चीट किया गया, तो वो आप वापस आएंगे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना ही है जिसकी वजह से हो रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, द फूल। ओके, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स, वेरी नाइस, ये हुई ना बात। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, वेरी नाइस। तो यहाँ पर हुआ ये है कि भाई काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में रहे हैं। किसी ने तो धोखा दिया है, किसी ने तो चीट किया है। हो सकता है किसी ने आपको बोला हो कि आपके साथ शादी करेंगे, इंगेजमेंट करेंगे, फिर किसी और के साथ चले गए, ठीक है, और उनसे शादी कर ली। अगर शादी नहीं करी है तो सिर्फ गए ही हैं छोड़कर, ठीक है, चीट किया आपको। उसके बाद आपने जो अपने ऊपर काम किया है ना, जैसे आपकी ग्रोथ हुई है ना, उससे अचंभित रह गए हैं वो आपके पार्टनर, ठीक है ना। जिस तरीके से आपने खुद पर ध्यान दिया, इनर वर्क किया, और आज आप इस वाले एनर्जी में हो, तो इसकी वजह से ही सब कुछ चेंज हुआ है गाइस। आपने सरेंडर कर दिया, पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया और अपने ऊपर फोकस किया। तो अब ये है कि सिर्फ यही नहीं, और भी कई लोग आएंगे आपके पास, कई सारे ऑफर्स आने वाले हैं इस नवंबर में। कुछ आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं, और कुछ आपके बराबर के भी हो सकते हैं। देखकर जो अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है ना, वो बताने लायक ही नहीं है। इनको लगता है, एक्चुअली इनको ये फील हो रहा है कि अरे ये थी या ये था, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। तो इस तरीके की एनर्जी है।
तो इस मंथ हेल्थ तो आपकी अच्छी रहने ही वाली है क्योंकि आपने बहुत कंट्रोल पा लिया है अपनी हेल्थ पर। और भाई प्रपोजल्स ही प्रपोजल्स आने वाले हैं, जिससे आप चाहोगे उससे आपको प्रपोजल मिलेगा। इस एनर्जी में है और इसी एनर्जी में रहिएगा, ठीक है। और मैं तो ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी लोग आपके पास आएंगे उनको कहीं ना कहीं एक झिझक सी रहेगी कि किस तरीके से आपको प्रपोज किया जाए, अप्रोच किया जाए, क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी में हैं और ये पेज की एनर्जी में है। तो बेशक डर तो रहेगा ही और डरना भी चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। और देख लेते हैं द लवर्स हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हों आप लोग, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं और इसीलिए ये साइकिल चला। अब ये रन करेंगे, आपके पीछे भागेंगे। अभी तक आप इनके पीछे भागते थे, अब ये आपके पीछे भागेंगे। क्वीन ऑफ सोर्स आ रहा है ओके, फाइव ऑफ पेनिकल्स। लग रहा है इनको कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इनको लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है। कैरियर आपका अच्छा रहेगा गाइस, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई बिजनेस कर सकते हैं, जॉब से ज़्यादा मुझे बिजनेस का लग रहा है, वो हो सकता है। और ये भी लग रहा है कि कोई पार्टनर भी आपको मिल सकता है जिसको लेकर थोड़ा सा आपको इनसिक्योरिटीज रह सकती हैं, डर रह सकता है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं कि बिजनेस करा जाए या नहीं करा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ये जो पार्टनर जिनके बारे में, जिनके लिए आप सोच रहे हो ये रीडिंग देखते वक्त, वो ही कोई ना कोई प्रपोजल लेकर आपके पास आए, तो उसके लिए भी हो सकता है आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज रहें। और देख लेते हैं ओके यही है, कुछ बिजनेस वगैरह आप शुरू कर सकते हो। जॉब का मुझे बहुत कम दिख रहा है, बिजनेस आप शुरू कर सकते हो और आप कुछ टाइम लगा सकते हो सोचने समझने में कि ये बिजनेस करा जाए या नहीं करा जाए, कुछ ऐसा रहने वाला है, ठीक है। कुछ कर लोगे नवंबर में ऐसा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ सोच सकते हो दिल से भी और दिमाग से भी, जो कि मैं देख पा रही हूँ। देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस, बेशक जो पास्ट में होता रहा है उसकी वजह से अब वही हो जाता है ना कि हमें अलर्ट रहना चाहिए, तो वो वाली एनर्जी आ रही है। बेहतर है आप खुद को हील करो, हालांकि आप कर रहे हो और बिल्कुल सही जा रहे हो, यूनिवर्स भी वही आपसे कह रही है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि और भी ज़्यादा आप खुद को हील करोगे। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी आपकी कुछ ऐसी रहेगी कि ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। यहाँ पर सीधी सी बात है, मैंने कहा ऑप्शंस काफ़ी सारे हो जाएंगे आपके पास और यूनिवर्स भी यही चाहती है कि किसी एक को पकड़ कर ना बैठे, जो आपके लिए बेहतर हो उसको ही चूज़ करें। जैसे पहले की एनर्जी आपकी हो सकता है ऐसी रही हो कि नहीं मुझे यही चाहिए, यही है तो यही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो भी वही कह रही है कि जिसकी आपको आवश्यकता हो, जो नीड है उसको पूरा करें, ठीक है, जो चाहते हैं वो नहीं, जिसकी आवश्यकता है उसको देखें। कॉन्ट्रैक्ट, बेशक अब चाहे ये रिलेशनशिप से जुड़ा हो चाहे आपके बिजनेस से जुड़ा हो, सोच समझ कर फैसला लें, सारे ही ऑप्शंस देखें, हील करें खुद को, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी फैसला नहीं लेना है। दिमाग से सोचें और सारी चीज़ें वैसी होंगी जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है कॉर्नोकॉपिया और जब ये कार्ड आता है तो समझ लो अबंडेंस ही अबंडेंस है। देख लेती हूँ कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। फेस द पेन। ओके, तो इस दौरान हो सकता है कि कुछ चीजें, जैसे कि मैंने कहा ना कि जो आपकी आवश्यकता है उसको चुने, ना कि जो आप चाहते हैं वो चुने, क्योंकि जब हम चाहते हैं तो चाहने में ये हो जाता है कि चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा मन कह रहा है लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इस दौरान हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को आप छोड़ दें जिनको सच में आप चाहते हो लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो बेशक पेन होगा। तो बाबा ये कह रहे हैं कि उस पेन को फेस करो, ठीक है ना, क्योंकि आगे चलकर सब अच्छा होगा। ऐसे कनेक्शन में रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है जो
जिंदगी भर आपको तंग करें, सरेंडर, और उसके बाद सरेंडर कर दो। यानी कि हो सकता है आपको लगता हो कि कैसे रह पाऊंगी अगर मैंने छोड़ा, कैसे क्या कर पाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। बाबा कह रहे हैं कि उसके बाद आपने सरेंडर कर देना है, ज़्यादा मत सोचो, बाबा आपको हील कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके लिए बेहतर है वही करो। देख लेते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है, यहाँ पर क्या कार्ड आता है आपके लिए। प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पर कह रहे हैं आपके एंजल्स कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अगर आप कोई कैरियर चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर आराम से करो, उसके बाद वो प्रोटेक्शन तो आपको मिल ही जाएगी। मैंने कहा ना कि कुछ कैरियर में ऐसा हो सकता है, तो आप एंजल्स को प्रे करो, बाबा का नाम लो और काम शुरू कर दो, ठीक है। स्पीकर, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर आप बन सकते हैं। आपके अनुभव से बहुत कुछ सीखा होगा आपने, जो भी आपको ज़िंदगी में मिला है अब तक, जो दर्द जो तकलीफें, तो यहाँ पर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पर लीडरशिप का भी कार्ड है, ठीक है। तो हील कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो क्या सही है क्या गलत, ये सब कुछ करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनकी राशि है वर्गो यानी कि कन्या। आई होप आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।